और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक और दिग्गज नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जोर शोर से उपचुनाव को लेकर प्रचार और रैलियां कर रही है, तो वहीं सिराथू सीट के चुनाव जीतने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली पल्लवी पटेल को मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार करने नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने सपा विधायक पल्लवी पटेल से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल कैमरावादी की सपा के सिंबल पे चुनाव में सिराथू सीट से चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम, इस टाइम आप अखिलेश जी से नाराज चल रहे हैं, क्या नाराजगी की वजह है? नहीं, नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं है, और जैसा कि लगातार सुनने में आ रहा है नाराज़गी है किसी विवाद को लेकर के, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। बस इतना है कि उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मेरी ये इच्छा है और चाहती हूँ कि हमारे गठबंधन में बड़े भाई समाजवादी पार्टी बहुत ही बड़े मार्जिन से सभी सीटों पे जीत करके आगे निकले। शुक्रिया हमारे साथ पल्लवी पटेल जी, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मैनपुरी का चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर निराश है और उन्हें लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के आने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। इसी डर की वजह से उनकी सीबीआई जांच और सिक्योरिटी को कम किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अविनाश, एमके न्यूज़, लखनऊ।